नमस्ते जी, कैसे हैं सब आप? मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ, राजपूत जॉन से। खरड़ में मैं आपके लिए प्रॉपर खरड़ बस स्टैंड से व्हीकल डिस्टेंस तो सेकंडों का ही है, अगर वॉकिंग डिस्टेंस की बात करें तो 5 मिनट है अपनी साइड का। इस प्रोजेक्ट का ये मैं गेट नंबर 1 है, प्रॉपर हमारा गेट बना हुआ है। आगे 34 शॉप्स है जो सारी सेल आउट है। सिक्योरिटी गार्ड का रूम है, इधर वॉशरूम बनाया हुआ है। अगर आपके घर पर कोई मेड वगैरह काम करती है तो आप ये वॉशरूम वो यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बंदा आता है अननोन तो ये वॉशरूम यूज़ कर सकता है, इसका फ़ायदा बहुत है। पर जो हमारा गेट नंबर 1 है, प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड का कमरा यहीं पे है, सुबह एंड रात को यहीं पे रहेगा। पर जो हमारा गेट नंबर 2 है उधर राउंड करेगा, उधर हमारे 60 फ्लैट्स 2 BHK सेल आउट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे है गेट नंबर 1 पे है 3 BHK। अगर हम इधर वाली फेसिंग की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी सारी लाइन बनी हुई है ये 135 गज कवर्ड एरिया, 140 गज सुपर एरिया रहेगा। इसकी भी मैं वीडियो डालूंगा अलग से, वो आप देख लेना। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा हमारे 125 गज कवर्ड एरिया रहेगा, 130 गज सुपर एरिया रहेगा इसकी। इधर तो जो प्राइस रहेगा ये तो रहेगा 4490 टॉप फ्लोर, 4590 एंड 4590। इसका प्राइस रहेगा 4490, 4490, 4490। ये ग्राउंड प्लस 2 बने हुए हैं, रेडी टू मूव में है। 2 मंथ पोजेशन रहेगी। लास्ट में हमारी 3-4 पौड़ी हैं, बिल्कुल लास्ट में हैं, वाइट जहाँ पे पुट्टी की हुई है। ये कम से कम भी 200 मीटर रोड है जो लंबी है, और इधर प्रोजेक्टिंग है। टोटल हमारे 82 फ्लैट्स रहेंगे और वो हैं 2 BHK फ्लैट, वो 3590, 3490, 3590। पर जो मैं अभी हमारा लगभग सैंपल इसका रेडी हो चुका है 4990 वाले का, जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ। बहुत बढ़िया बने हुए हैं। थोड़ी सी लाइव वीडियो, अभी यहाँ पे काम चल रहा है, रोड वगैरह का काम चल रहा है, मेन कनेक्शन हो रहे हैं। ये सारा हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। अंदर जाने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं, ये हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमेटी के पास रहेगा। म्यूनसिपल कमेटी का दफ्तर कचहरी, सिविल हॉस्पिटल, फ्लाईओवर चढ़ता उतरता पास में, बस स्टैंड से तो बहुत नज़दीक है, खरड़ बस स्टैंड से बिल्कुल सामने ही पड़ जाता है। अगर आप हम टॉप फ्लोर के रूफ पे चढ़ेंगे तो सामने 200 मीटर पे हमारे को फ्लाईओवर दिख जाएगा। तो ये था हमारा जो रोड रहेगा बीच वाला, ये 50 फीट का रोड है। ये हमारी 2 एंट्रेंसें हैं। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे स्टील की ही आएगी सारी जो स्टेयर आएगी। स्पेशियस है स्टेयर भी बहुत ज़्यादा। पहले दिखाता हूँ मैं, स्पेशियस ड्राइंग रूम है हमारा, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। LCD पैनल के साथ मिलेगा, बैक जो वर्क हुआ हुआ है मोल्डिंग का एज इट इज़ मिल जाएगा, सीलिंग आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। बिल्कुल साथ में मॉडुलर किचन है जो बहुत स्पेशियस है। यहाँ पे जैसे मर्जी साइज़ का फ्रिज रख सकते हो। अंदर भी सरमाइका वर्क है, बाहर भी ग्लॉसी सरमाइका है। सॉफ्ट क्लोजर रहेगा ये सारा, जैगुआर की टैप्स रहेंगी। जो स्विचेज हैं हमारे ये गोल्ड मेडल के रहेंगे, हैवर की वायर रहेगी बीच में। अभी सैंपल का काम चल रहा है। यहाँ पे प्रॉपर डाइनिंग आ जाएगा, यहाँ पे 7-सीटर सोफा था हमने पहले ही लगा रखा है। उसके बाद अटैच वॉशरूम के साथ बेडरूम, जो हमारा स्पेशियस है, बहुत स्पेशियस जगह है। यहाँ पे LCD पैनल मिलेगा नहीं, एज इट इज ही मिल जाएगा। बैक साइड पे एज इट इज वर्क मिल जाएगा आपको, अटैच वॉशरूम के साथ है। ये 1x2 की वॉल टाइल रहेगी एंड जैगुआर की बाथ फिटिंग है, जैगुआर की ही टैप रहेगी। वॉल हैंगिंग सीट है, वॉल हैंगिंग शैंक रहेगा। कबर्ड्स तीनों बेडरूम में दिए हुए हैं जो आप वीडियो में देखोगे। सीलिंग आपको हर बेडरूम में जैसी की हुई है एज इट इज़ मिल जाएगी। अंदर भी सरमाइका वर्क रहेगा कबर्ड्स के अंदर। ये एरिया बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, मॉडुलर किचन बहुत स्पेशियस है, बेडरूम के साइज़ बहुत अच्छे हैं। अटैच वॉशरूम, 1x2 की वॉल टाइल, जैगुआर की बाथ फिटिंग है, सामने कबर्ड्स, और बिल्कुल ये वर्क आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। अंदर भी सरमाइका वर्क रहेगा। बैक साइड पे ये वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे वेंटिलेशन है, दूसरी तरफ से डोर भी है, वेंटिलेशन भी है। बिल्कुल सामने थर्ड बेडरूम है अभी हमारा। फ्रंट एलिवेशन आपने देख लिया, एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी। अगर आपने लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करनी है
तो जब मर्जी आओ विजिट करने के लिए। और मेरी तरफ से गुड विशेज है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो बेस्ट प्रॉपर्टी मिले, एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी है, जब मर्जी आओ एनी टाइम मोस्ट वेलकम। और जो सबसे मेन चीज़ है, आपने अपने अपनी जमा पूंजी लगानी है, लाखों रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, लोकेशन पे करो, रोड टू साइट व्हीकल डिस्टेंस, वहाँ पे फैमिली रहती हो, जहाँ पे भी आप प्रोजेक्ट देखने जा रहे हो, रेडी टू मूव में हो, अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ ना हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पास हो उसका लेआउट, ये सारी चीज़ें आपने वेरीफाई करके इन्वेस्टमेंट करनी है। मेरी तरफ से गुड विश रहेगी, यही सबसे मेन चीज़ है। जहाँ आपका दानी पानी है वहीं पे जाना है, पर एक बार विजिट करने आओ। अगर 5 जगह जा चुके हो तो 6th टाइम यहाँ पे आओ, अगर यहाँ पे 1 टाइम आ रहे हो तो 6 जगह जाओ, तो खुद ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि चीज़ कौन सी बेटर रहेगी। मोस्ट वेलकम है जी, जब मर्जी आओ विजिट करने।